हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मेदू वड़ा, या फिर आप बोल सकते हैं उड़द दाल के वड़ा। बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्टी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 2 कप उड़द दाल ले लिया था। ये छिलका वाला उड़द दाल है, आप चाहे तो प्लेन वाला उड़द दाल भी ले सकते हैं। इसको मैंने रात भर भिगो के रख दिया था 5 से 6 घंटे के लिए। इसको भिगा लीजिए आप, और इसको अब ग्राइंडिंग करेंगे। तो ये मैंने छिलका वाला ले लिया था, इसको मैंने थोड़ा सा छिलका निकाल चुकी हूँ। अब कैसे निकालिए बताती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर अपने हाथों से इस तरह से अपने मसल लीजिए, ताकि दाल से छिलका अलग हो जाए। ऐसे करने से दाल से छिलका अलग हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक बर्तन लीजिए, और अपने हल्के हाथों से इसको अच्छे थोड़ा थोड़ा हिला करके ये पानी को ड्रेन कर लीजिए। और इस प्रोसेस को आपको 4 से 5 बार करना होगा, या फिर तब तक करना है जब तक ये छिलका दाल से अलग ना हो जाए, तब तक करना होगा आपको। तो इस तरह से मसल लीजिए और फिर पानी को ड्रेन कर लीजिए, तो पानी के साथ साथ ये छिलका भी अलग हो जाएगा आसानी से। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा छिलका अलग हो चुका है, और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा रह गया है, ये नहीं निकलेगा और ये टेस्ट में भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसको ही ऐसे ही रहने दीजिए। अभी हम इसको ग्राइंडिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्राइंडिंग जार ले लिया है, इसको हम अभी ट्रांसफ़र करेंगे, और हमको बिना पानी डाल के इसको पीसना है, हम पानी ऐड नहीं करेंगे। और इस तरह से हम इसको पीस लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ग्राइंडिंग कर ली हूँ, और ये अच्छा सा एक स्मूथ पेस्ट बना ली हूँ मैंने। तो देखिए, ये पतला नहीं है, एक मोटा सा थिकनेस सा कंसिस्टेंसी है। ऐसे ही आपको चाहिए कंसिस्टेंसी, ऐसे ही रखना है, नहीं तो बड़ा नहीं बनेगा। ये ज़्यादा भी पूरा चिकन नहीं है कि ये ज़्यादा खदखदा भी नहीं है, थोड़ा सा ये ऐसी है। तो इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, ताकि फेंटने में आसान हो। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये ट्रांसफ़र कर ली है, अब इसको हम फेंटेंगे। ये प्रोसेस को आपको 10 से 15 मिनट तक करना होगा। और आप ये अपने हाथों का ही इस्तेमाल करिए, ये कोई चम्मच या फिर फेंटने वाले से ये नहीं होगा, अपने हाथों का ही इस्तेमाल करना है। और आपको एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। या फिर हल्का हो जाए या फिर फ्लॉपी हो जाए, तब तक आपको फेंटना है एक ही डायरेक्शन पर। ये देखिए, यहाँ पर ये फेंटने से ये डबल हो जाएगा पूरा, ये ऑफ वाइट दिख रहा है, फेंटने के बाद ये पूरा वाइट दिखेगा, कलर चेंज हो जाता है थोड़ा सा। और यहाँ पर एक आपको एक ही डायरेक्शन फेंटना है, यहाँ अंदर हवा भरना है इसका, तो ही बड़ा सॉफ्ट बनेंगे। ये प्रोसेस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सब बड़ा खाने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे करके हम फेंट लेते हैं। आपका अंदाजा नहीं हो रहा है तो टाइम देख के 10 से 15 मिनट फेंट लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने फेंट चुका हूँ, ये अच्छी तरह से हो गया है, फ्लॉपी हो चुका है, हल्का हो चुका है, ये डबल भी हो गया है। अभी हम इसको चेक करेंगे। तो ये कैसे पता चला कि हो गया है? तो यहाँ पर हम लेंगे एक पानी बाउल में, पानी लेंगे और उसका एक वेट उठा के यहाँ पर हम पानी में डालेंगे। तो ये देखिए, ऊपर आ रहा है, तैर रहा है, इसका मतलब ये अच्छा से फेंट चुका है और ये अभी वड़े बनने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर मैंने ये बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अभी हम डालेंगे यहाँ पर नमक, टेस्ट के हिसाब से नमक ले लीजिए। और अभी हम यहाँ पर डालेंगे कड़ी पत्ता, 10-15 कड़ी पत्ता मैं ले ली थी, चॉप कर ली थी, इसको डाल देंगे। और यहाँ पर हम डालेंगे प्याज, पतला पतला स्लाइस में कट कर ली हूँ, चॉप कर ली हूँ, और ऐसे खोल चुके हैं उसका कलियाँ सब, इसको हम अभी डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर मिर्ची डाल सकते हैं, हींग, जीरा भी डाल सकते हैं, मिर्ची भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, वैसे ही बना रही हूँ, आप चाहे तो डाल सकते हैं। और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मिक्स हो चुका है अच्छी तरह से। अभी हम इसको तलेंगे, फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, अपने हाथ को पहले यहाँ पर भिगो लीजिए पानी में, ये करना ज़रूरी है, नहीं तो ये बड़ा नहीं निकलेगा। तो मैं भिगो ली हूँ अपने हाथ को, और यहाँ पर थोड़ा सा बैटर उठाएंगे
और ऐसे गोल गोल घुमाएंगे इसको, इस तरीके से करके एक शेप देंगे और अपने अंगूठी से इसको छेदा करेंगे बीच में और एक कढ़ाई में तल देंगे। फिर से अपने हाथ को भिगो लीजिए, थोड़ा सा बैटर ले लीजिए और यहाँ छेद करके ऐसे तेल में डाल लीजिए। इस तरीके से हम सभी वड़ा को फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरह से छेद बना के हमको डालना है तेल के। और हमारा अभी फ्लेम लो है, लो टू मीडियम फ्लेम में हम फ्राई करेंगे, नहीं तो हाई कर देंगे तो ये पूरे तुरंत ही ये बाहर ब्राउन हो जाएगा और अंदर कच्चा रह जाएगा। तो हमको लो टू मीडियम फ्लेम पर हमको फ्राई करना है। बीच बीच में हम पलटते रहेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक हमको फ्राई करना है। तो देखिए इस तरह से फ्राई कर लेंगे, ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अभी हम गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि वड़ा ज़्यादा तेल अब्जर्ब ना करे। तो देखिए यहाँ पर हो चुका है और ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हम इसको अभी निकाल लेंगे। तो देखिए हम इस तरीके से सभी बड़े को निकाल लेंगे अभी और एक टिश्यू पेपर में डाल देंगे ताकि जितना भी और ऑयल है वो टिश्यू पेपर अब्जर्ब कर लेगा। तो देखिए मैं निकाल चुकी हूँ और अभी ये दूसरे बड़े को भी इस तरह से फ्राई कर लेंगे। और अभी भी आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा है आप कैसे फ्राई करेंगे, नहीं बना पा रहे हैं हाथ से, तो ऐसे आप एक करछुल ले लीजिए, यहाँ थोड़ा सा बैटर लगा लीजिए, बीच में छेद कर लीजिए ऐसे और इसको तेल में डाल लीजिए, आसानी से निकल जाता है। करछुल को थोड़ा सा पानी में भिगाना है पहले। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से हम धीरे से डाल देंगे, अब ये तेल में अच्छे से जा रहा है। तो देखिए पता भी नहीं चल रहा है कि हाथ से बनाया है या करछुल से बनाया है, सभी सेम दिख रहे हैं। तो ये तैयार हो गया है, हम इसको निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम सभी बड़े को निकाल लेंगे और ये पूरा रेडी हो चुका है। अभी मैं दिखाती हूँ कैसे बना है ये। तो देखिए ये बाहर से पूरा क्रिस्प और बहुत ही सॉफ्ट बना है ये। देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ अभी, देखिए कितना आसानी से दब रहा है, सॉफ्ट बना है ये, अच्छे से अंदर तक पक चुका है ये, फ्राई हो चुका है और कितना सॉफ्ट बना है ये, दब रहा है अच्छे से। इसको आप सांभर वड़ा में भी खा सकते हैं, दही वड़ा भी बना सकते हैं इसी प्रोसेस से आप। बहुत ही क्रिस्पी और स्पॉन्जी बना है ये, खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।